ओम शांति। 1883 न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा जो पुल ब्रिज ब्रुकलिन ब्रिज जिसे कहते हैं वो बनकर तैयार हुआ। उसके पीछे एक बहुत प्रेरणादायी घटना छिपी हुई है। एक नदी है जिसका नाम है ईस्ट रिवर और एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा था कि इसके ऊपर एक पुल बनाया जाए ताकि लोग आसानी से इस पार से उस पार जा सके, पर यह बहुत असंभव सा कार्य था। तो एक इंजीनियर था वहां पर, रॉबलिंग, जॉन रॉबलिंग, उसने यह स्वप्न देखा और उस अनुसार उसने कार्य करना चालू किया और बहुत सारे इंजीनियर उसके साथ थे और उसका जो बेटा था वो भी इंजीनियर था, वॉशिंगटन रॉबलिंग, और बाप और बेटे दोनों ने मिलकर ये जो प्रोजेक्ट था वो लिया, वो भी सस्पेंशन ब्रिज बनाना, जो कि आज तक कभी बना नहीं था। कई लोगों ने तो हंसी उड़ाई कि ऐसा हो नहीं सकता, संभव है, इतनी बड़ी नदी कैसे बनेगा। परंतु फिर भी दोनों ने मिलके वो कार्य चालू किया। परंतु कुछ मास ही हुए थे कि वहां पर एक ऐसी दुर्घटना हो गई कि उस दुर्घटना में पिता की मृत्यु हो गई और जो बेटा था वॉशिंगटन वो बुरी तरह जख्मी हो गया, घायल हुआ, ऐसा कि उसको आधा भाग पैरालिसिस हो गया और दिमाग पर गहरी चोट थी। वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। लोगों ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये सब मत करो। वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा मास कई मास तक चल नहीं पाता था, पैरालिसिस, ऐसे ही बैठा था अपने बिस्तर पर और अचानक खिड़की खुली और हवाओं का झोंका आया और उसके हाथों को स्पर्श किया और उसको लगा कि इस हाथों में फिर से शक्ति आ गई जो कि निष्प्राण पड़ा था। और उसको फिर से प्रेरणा आई कि नहीं, ये काम मैं फिर से चालू करूंगा। पर वो करे कैसे, क्योंकि जितने इंजीनियर थे वो पूरा क्रू पूरी टीम सब छोड़ के चले गए थे और जैसे कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आधी दुनिया उन पर हंस रही थी कि ऐसा ये व्यर्थ का प्रोजेक्ट तुमने लिया और इतने पैसे खर्च किए। पिता जो थे उसने सारी संपत्ति लगा दी थी। तो ये जो बेटा था वॉशिंगटन, उसने उसकी जो पत्नी थी युगल, उसके हाथों पर इशारे से कुछ कहा, लिखा, वो भी इंजीनियर थी, और ऐसा 13 साल तक वो इंस्ट्रक्शन देता गया कि ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, ऐसे करो। फिर से सारे इंजीनियर्स को वापस बुलाया गया, फिर से वो काम चालू हुआ और 13 वर्ष के बाद वो ब्रिज जाकर फिर से खड़ा हो गया, जो कि उस समय का सस्पेंशन ब्रिज, जो ऐसे ऐसे वायर से बना हुआ ब्रिज और तारे लगी हुई हाइब्रिड। ये उसके आत्मा के दृढ़ संकल्प का प्रभाव था, जहां पर सब ने आशा छोड़ दी थी और वो भी खुद बीमार था, उस बीमारी में भी उसने सारा प्रोजेक्ट उसकी पत्नी के हाथों पर इंस्ट्रक्शन दिए, ऐसे करो, वैसे करो, और वो एकमात्र थी जिसने अपने पति की वो मौन भाषा समझी, वो बोल भी नहीं पाता था, और वो उसी अनुसार वो सारा ब्रिज फिर से खड़ा हो गया। द फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज इन द वर्ल्ड उसको कहा जाता है। आज
वो एक दर्शनीय स्थल जैसा है जहां लोग टूरिस्ट देखने जाते हैं उसको। तो चारों ओर से निराशा या फिर कहो असफलता, उसके बाद भी दृढ़ता से वो कार्य करता रहा और अंततः इतना बड़ा ब्रिज खड़ा हो गया। तो ये कहानी दृढ़ता की कहानी है। आज की मुरली में बाबा ने दृढ़ता के लिए एक बात कही है। कौन सी? कौन सा बटन? दृढ़ संकल्प का बटन। व्यर्थ से बचना है तो क्या करो? मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगाओ। एक है विचार, एक है संकल्प, दोनों में अंतर है। जो विचार अर्थात थॉट्स आ रहे हैं जा रहे, संकल्प के लिए इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है। डिटरमिन्ड थॉट, दृढ़ संकल्प को शायद, दृढ़ विचार को शायद संकल्प कहा जा सकता है। संकल्प के साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, संकल्प अर्थात जिसमें प्रतिज्ञा है। तो बाबा ने कहा यदि व्यर्थ से बचना है तो क्या कर दो? बटन लगाओ। कौन सा बटन? दृढ़ संकल्प का बटन। कहां लगाओ? मुख पर। क्योंकि सबसे ज्यादा व्यर्थ कहां से आता है? यदि हम अपने आप को देखें तो सारे दिन भर मुख से जो कुछ निकल रहा है उसमें से कितना शक्तिशाली है? शायद बहुत कम। और अध्यात्म की शुरुआत ही तो मौन से होती है। अध्यात्म के गहरे से गहरे राज, स्पिरिचुअलिटी के डीपेस्ट सीक्रेट शब्दों द्वारा नहीं जाने जा सकते। केवल सुनने से या फिर सुनाने से कुछ नहीं होगा। वो एक शुरुआत मात्र है। भारत में एक बहुत ही जिसे कहेंगे मनमौजी नवाब, लखनऊ के नवाब वाजिद अली, 10वें और अंतिम नवाब, 10th एंड द लास्ट नवाब हुए थे। वो जो व्यक्ति था संगीत का बहुत अधिक प्रेमी था और उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो वो गवर्नर या ऑफिसर्स जो ब्रिटिश वाले थे उनको अपने महल में बुलाया था। एक बार वाजिद अली ने एक ब्रिटिश गवर्नर को बुलाया संगीत की महफिल के लिए, तो वो दोनों बैठे और सभा बैठी, सारे संगीतज्ञ बैठे, म्यूजिशियंस, कोई अपना तबला ठोक रहा था, पहले थोड़ा सेटिंग करते हैं, वो तबला ठोक रहा था, कोई अपनी वीणा कस रहा था, कोई और कुछ सारंगी को जरा ठीक कर रहा था। तो वो जब चालू था टक 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 टक, तो वाजी वो गवर्नर को लगा कि यही म्यूजिक है। उसने कहा इसी को चलने दो, ऐसा ही म्यूजिक होता है। और वो जो वाजिद अली था वो भी अपने किस्म का व्यक्ति था, उसने कहा अफसर को यही पसंद आया है तो इसी को चलने दो। तो 3 घंटे तक वो ठोक ठाक ही करते रहे, म्यूजिक अभी चालू ही नहीं हुआ, 3 घंटे तक केवल यही इधर से ठोक उधर से ठोक। अध्यात्म का संगीत मौन है, उसके पहले जो कुछ है वो तबला ठोकना या फिर तार कसना, वो सारी बातें हैं। सारी क्लासेस कहो, ऑडियो, गीत, संगीत, वो सब कुछ जो है वो केवल प्रिपरेशन है, शुरुआत है। अंतिम जो है वो आगे है, जो शब्द जहां समाप्त होता है होते हैं, उसके बाद में आगे की दुनिया चालू होती है। तो बाबा ने कहा मुख को क्या कर दो? दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो।
तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ से बचाओ, नहीं तो व्यर्थ निकलते ही रहता है जब तक उसको रोका ना जाए। तो ये सबसे पहला बटन है, मुख माउथ, यहां पर बटन लगाओ। कैसे? मौन रहने की सबसे सरल विधि कौन सी है? यदि कोई यह संकल्प करता है कि मैं बोलूंगा नहीं, तो अवश्य वो टूट जाता है। क्या कहेंगे? चुप रहने की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? मैं नहीं बोलूंगा। जिस दिन यह संकल्प करेंगे उस दिन शायद ज्यादा बोलेगा। क्या विधि हो सकती है? विधि है संकल्प करना कि मुझे सुनना है, अपोजिट संकल्प करना। यह संकल्प नहीं करना कि नहीं बोलना है, यह संकल्प नहीं करना कम बोलना है। संकल्प क्या कि मुझे सुनना है। यदि तीन व्यक्ति आ गए और किसी एक व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, ये कोई ज्ञानी है, सोच लो दादी, और ये तीन भाई या बहनें जिनकी अपनी व्यक्तिगत समस्या, उसमें से एक की व्यक्तिगत समस्या है और दो साथी है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि दादी हमारा ऐसा है वैसा है, ये करे समझ नहीं आता है, पुरुषार्थ अमृत वेला ये वो, इसके बहुत सारे प्रश्न है, और दादी ने जवाब दिया और ये बीच बीच में फिर भी पूछते जा रहा है, जवाब चालू है और पूछ रहा है। सबसे ज्यादा उत्तर इन दोनों को समझ में आ रहा है जिनके कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो दोनों केवल सुन रहे हैं। शायद जो बात इन्होंने कह दी वो सीधा इनके अंतर्मन में छप जाएगी। इनके कोई प्रश्न थे नहीं, केवल बैठे थे क्योंकि इसके साथ ही थे। क्योंकि यहां प्रश्न पूछने वाले को प्रश्न के उत्तर में बहुत अधिक रुचि नहीं है, उसे प्रश्न पूछने में अधिक इंटरेस्ट है। क्योंकि उत्तर तो पता ही है, अमृत वेला करो, सोमवान का अभ्यास करो, सारे उत्तर पता है। ज्ञानियों को ऐसा कोई उत्तर नहीं है जो पता नहीं है। पवित्रता धारण करो, आज कहा फिर भी दाल नहीं गलती बहन भाई की, सब पता है। यही प्रॉब्लम है। इसके लिए कहते हैं ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं है, क्या है? ज्ञान का भ्रम कि हमने जान लिया है, हमने समझ लिया है, हमको बहुत कुछ पता है। ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जो अंत तक उसकी प्यास जारी रहे, चाहे किसने कितना भी सुना हो कुछ भी किया हो, परंतु ज्ञान विशाल है और हर दिन के नए नए अनुभव है। इसलिए यदि इस मार्ग में आगे बढ़ना है और इस ज्ञान को भी समझना है और योग में भी उन्नति करनी है और यदि सेवाओं में भी अथक रहना है, तो मुख में क्या करना पड़ेगा? दृढ़ संकल्प का बटन। दो व्यक्ति सेवा कर रहे हैं अलग अलग महकमा अलग अलग डिपार्टमेंट में, एक बहुत बोल बोल के करता है, एक मौन के रहकर करता है, थकेगा कौन ज्यादा? बोलने वाला। क्योंकि हमें सेवा नहीं थकाती है, कर्म नहीं थकाते है, सेवा में उत्पन्न हुए व्यर्थ संकल्प थकाते हैं। मन में जो हलचल होती है वो थकाता है। जिसके साथ काम कर रहे उसके प्रति सूक्ष्म घृणा है, नफरत है, डिसलाइक का भाव है, वो ज्यादा थकाता है। बाकी सेवा नहीं थकाती कभी। सेवा के लिए तो यदि जिसमें रुचि है, इंटरेस्ट है, अथक है व्यक्ति, तो इसलिए दृढ़ संकल्प का ये जो बटन है
सबसे पहले मुख को लगाओ, क्योंकि इसी मुख के द्वारा व्यर्थ बहते रहता है दिन रात। जब तक, और बोल का भी आधार क्या है, बोल का आधार विचार, खालीपन नहीं, हम जो बोल रहे हैं दो व्यक्ति, बोल के पीछे भी भावनाएं काम कर रही है। हम कब तक किस किस के लिए सोचे कि आज ये मिलेगा तो ये बोलूंगा, वो मिलेगा तो वो बोलूंगा। यदि जिसके प्रति शुभ भावना है अपने अपने आप अच्छा ही निकलता है, परंतु जिसके प्रति घृणा के भाव है, अपने आप जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा निकलता ही है कि जो नहीं निकलना चाहिए। तो सबसे पहला जो बटन लगाना है वो मुख पर लगाना है, ताकि व्यर्थ थोड़ा रुक जाए। और एक दूसरी बात, मन में कौन सा चिंतन चल रहा है वही बाहर निकलेगा। जो टंकी में है ये नहीं कह सकता कोई, पानी खोला ये पानी ऐसा कैसे आ गया, जो ऊपर था वही अंदर है, बाहर निकलेगा। जो दिल में है, जो सारे दिन भर चिंतन कर रहे वही शाम को निकलेगा, वही शब्दों में निकलेगा। इसके लिए चिंतन को श्रेष्ठ करना है। और जितना हो सके शब्दों से पार जो आत्मा है, ये संसार है, शब्दों का संसार और भीड़ का संसार, और आत्मा यहाँ है। और यदि उस आत्मा तक पहुंचना है तो ये शब्दों को छोड़ना पड़ेगा। दो व्यक्ति है, एक दोनों ज्ञानी हैं, ए और बी। ए में देहभान अंदर है और बाहर भाषण, सेवा, सब कुछ, हर प्रकार की सेवा कर रहा है, पर अंदर से बहुत देहभान है। दूसरा है, अंदर से देहभान नहीं, आत्माभिमानी है, पर बाहर से कोई सेवा नहीं है, कोई सेवा खास नहीं है, कोई विस्तार नहीं है सेवा का, कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई भाषण नहीं, पर जो भाषण कर रहे हैं और जो सेवाएं कर रहे हैं और जो सब कुछ कर रहे, पर अंदर से देहभान भरा है, परंतु बाहर शब्द है। अब ये दो प्रकार की आत्माएं हैं, इनमें से श्रेष्ठ कौन? ये पर सेवा कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे है, बैठे हैं, कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं, और ये तो भाग भाग रहे हैं। अभी ये मेगा प्रोग्राम, अभी वो प्रोग्राम, अभी इधर हॉल, अभी उधर हॉल, अभी ये फेस्टिवल, अभी वो फेस्टिवल, अभी इसको बुलाओ, अभी उसको बुलाओ, अभी ये भाषण, अभी वो भाषण, सेमिनार, वर्कशॉप, सब कुछ, पर अंदर बहुत भयंकर देहभान है। अगर इस मैं को जरा भी किसी ने हाथ लगा दिया तो आग, झगड़ा। यहां कोई सेवा कुछ नहीं, छोटा सा आए है, इंग्लिश में एक है बड़ा है, एक है छोटा है, ये ऐसी यात्रा है। जो व्यक्ति ज्ञान में आता है उसको समझ में आता है, रे रे रे, पहले बहुत अहंकार होता है देहभान का, कैपिटल आए, फिर जैसे ही ज्ञान में आता है उसको पता चलता है हमको तो कुछ भी नहीं पता, यहां इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, हमको तो कुछ भी नहीं पता, फिर छोटा आय हो जाता है। फिर ये धीरे धीरे ज्ञानी बनता है, और ज्ञानी बनते ही बड़ा आय बन जाता है, मुझे सब कुछ पता है, हम बहुत सेवा करते हैं। और फिर ये धीरे धीरे और जैसे आगे बढ़ेगा ये छोटा आय बनेगा, और फिर धीरे धीरे केवल ये बिंदु रह जाएगा, ये भी हट जाएगा, केवल ये। तो ये यात्रा है बड़े आय से छोटे आय की, और छोटे आय से फिर बड़े आय की, और बड़े आय से फिर छोटे आय की, और फिर वो दंडी भी हट जाए और केवल एक बिंदु रह जाए। इस बिंदु स्थिति में स्थित होकर जो सेवा होती है वो सबसे बड़ी सेवा है। और जो यहां बैठकर सेवा कर रहा है, बीच में ज्ञानी है, तपस्वी है, परंतु सेवा का घमंड भरा हुआ है। सेवा में कोई दोष नहीं है,
सेवा के घमंड में दोष है। और वो सारा मुख से निकलता है। इसके लिए सबसे पहला बटन कहां लगाओ? मुख पर। दूसरा बटन, इसकी चर्चा मुरली में नहीं है पर हम आगे बढ़ा रहे हैं चर्चा को। दूसरा बटन है कान। दृढ़ संकल्प का बटन कान पर लगाओ तो व्यर्थ से बचाव होगा, क्योंकि सब जगह पर व्यर्थ ही व्यर्थ चल रहा है। एक विदेश के भाई ने कुछ समय पहले लास्ट सीजन में एक क्लास कराई थी फेक न्यूज, झूठी खबरें यज्ञ में इधर उधर जो फैलती है उनका क्या किया जाए। जैसे दादी गुलजार आ रही है, कल पहुंच रही है, न्यूज फैल रही है। किसने फैलाई कुछ पता नहीं पर फैल रही है अपने आप फेक न्यूज। क्या हम सुने और क्या ना सुने? जो खबरें आ रही है वो कितनी सत्य है? अगर सत्य भी है तो किसने कही और कितनी उसमें उससे मेरा कितना फायदा है? ट्रिपल फिल्टर टेस्ट जो, इसलिए कान क्या सुन रहे हैं? यदि व्यर्थ में रुचि है कानों को, किसी की निंदा हो रही है उसमें रुचि है, कोई यहां से वहां जाता है, कोई वहां से वहां जाता है, ये क्या हुआ वो क्या हुआ, ये सब चीजों में रुचि जहां पर है, गॉसिप्स झरमुई जगमुई, बाबा कहते हैं यहां बटन लगा दो, स्टॉप। ये संसार की खबरें सुनकर आत्मा की उन्नति नहीं होने वाली है। आत्मा की उन्नति तो यह सब भूल कर होगी। इसलिए जहां जहां व्यर्थ है और व्यर्थ की चर्चा हो रही है, कान क्या कर देना है? बंद। अपनी सेवा, अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपना योग, बस जिसको जो करना है करते रहे। ये सब चीजों के लिए हम यहां पर नहीं आए हैं। अपने अंदर हम डस्टबिन नहीं है कि जिसमें दूसरा आकर सारा कीचड़ा डालते जाए। बर्तन पवित्र चाहिए। कल मुरली में था सोने का, तो इसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देना। अगर सुनते हैं इधर से, सुन के इधर से निकाल देना है। उसको बैठ कर चिंतन नहीं करना है, या उसकी चर्चा नहीं करना है, या उसको और विस्तार नहीं करना है, क्योंकि ये जो गॉसिप्स होती है ये ऐसी फैलती है। जैसे दिखाया है एक मंदिर में एक पुजारी सो रहा था और अचानक किसी पक्षी का पंख उसके मुंह पर गिरा, आंख खुली तो वो बाहर निकला पंख, तो उसे थोड़ा अजीब सा लगा, पंख और मुख से निकला। उसने अपने घर पे अपनी पत्नी को बताया कि आज मैं जब मंदिर में सो रहा था तो मेरे मुख से एक पंख निकल गया। पत्नी ने पंख देखा और ये तो कबूतर का पंख है और कबूतर तो इस इलाके में है ही नहीं, ये तो बड़ा अपशकुन है। वो अपनी पत्नी से कहता ये किसी को भी बताना नहीं। वो कहती है बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ऐसी बातें तो बतानी नहीं चाहिए। पर रात में वो सोती है, उसको इतनी बेचैनी होती है क्या करूं अब, बहुत बेचैनी होती है। और सुबह उठते ही वो जाती है और अपनी पड़ोसिन को बताती है कि हमारे पतिदेव सो रहे थे, उनके मुख से एक पंख निकला, पर ये बात किसी को बताना नहीं। वो जो पड़ोसी होती है उसको बेचैनी होती है दिन भर, शाम तक तो वो भी अपने आप को दृढ़ संकल्प का बटन लगा के रखती है, पर शाम में बहुत ज्यादा बेचैनी होती। जैसे उसका पति आता है तो वो उसको कहती है कि हमारे, पर ये बात तुम किसी को बताना मत। और वो भी कहता है अरे ये तो हिंदू और ये तो बड़ी अपशकुन सी बात है, पर वो कहती है तुम किसी को बताना मत। वो कहता है बिल्कुल ऐसी बात है तो हमारा ही पुजारी, हमारा मंदिर है। और फिर उसे भी बेचैनी होती है बहुत ज्यादा, कैसे ये बात को अंदर रखे। तो वो अपने दूसरे दिन अपने मित्र को बताता है कि जब
पुजारी सो रहे थे तो उसके मुख से बहुत सारे पंखों के गुच्छे निकले अलग अलग रंग के, और फिर धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैलती है कि जो पुजारी है उसके मुख से पूरा के पूरा एक कबूतर निकल गया, और उसके अगले दिन शाम में सारा गांव इकट्ठा होता है मंदिर की, हमें देखना है कैसे निकला वो, कौन से, फिर कहते अलग अलग प्रकार के पंछी निकले, केवल कबूतर नहीं अलग अलग पंछी निकले। वो पुजारी सबको समझाता है पर वो समझ के बाहर थे, आखिर गांव छोड़कर जाना पड़ता है। तो खबर जो होती है ऐसे फैलती है, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, अभी एक मैसेज कर दो सब जगह। तो इस तरह की जो खबरें हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनना है, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है, कोई रस नहीं। कोई सुना है ठीक है ओके, कोई सुना इसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया, ये बहन वो भाई, यहां ऐसा हो रहा है वहां वैसा हो रहा है, व्हाट इज दैट टू यू, तुमको क्या करना है? तो दृढ़ संकल्प का बटन कहां लगाना है? कानों में, ताकि कान केवल वही सुने जो शुभ हो, जिनके श्रवण समुद्र समाना। भक्ति में कहा जाता है अपने कानों को इतना समुद्र जैसा विशाल बना दो कि भगवान की बातें जहां से भी मिले वो ग्रहण करे, सागर की तरह विशाल अंदर भरते जाओ। परमात्मा वाक्य, कल की मुरली में था भगवान नया है और उसके महावाक्य भी नए हैं, उसका हर वाक्य नया है, हर बात नई है, नया पुराना उसमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ नित नया है उसमें। तो ये दूसरा, तीसरा है आंखें, इन आंखों पर क्या कर देना है? दृढ़ संकल्प का बटन लगा देना है, क्योंकि आंखें क्या है, परसों की मुरली में बड़ी शैतान है, सबसे ज्यादा हलचल करती है, इन आंखों को स्थिर कर देना। और योगी की आंखें स्थिर होती है, चंचल नहीं होती है। कल की मुरली में था कर्मातीत की नई परिभाषा बाबा ने दी थी, कर्मातीत अर्थात कर्मेंद्रिया वश में, और वश में कैसी होगी कर्मेंद्रिया? केवल और केवल योग की शक्ति से, ज्ञान की शक्ति से नहीं, कर्मेंद्रिया शीतल हो जाए इसके लिए योग बल चाहिए। ज्ञान कितना भी हो सारा पता है, परंतु जब तक योग की पावर नहीं, स्थिरता नहीं, तब तक कर्मेंद्रिय वश में नहीं होगी। इसके लिए आंखें उत्पात मचाती है। अंग्रेजी में कहावत है वेर एवर विजन गोज एनर्जी फ्लोज, जहां दृष्टि जाती है वहां शक्ति अपने आप जाती है। एक सड़क से चलो, 10 दुकानें हैं वहां पर, एक एक दुकान की तरफ हमें कुछ खरीदना कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ लेना देना है, हमें तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, परंतु हर एक चीज को हम देखते जा रहे हैं क्या हो रहा है, हर चीज शक्ति को खींच रही है, संकल्प भी नहीं चल रहे परंतु ऊर्जा तो जा रही है, ऊर्जा कम हो रही है, और मन की ऊर्जा बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। विदेश में एक महिला थी, वो चीजों को ऐसी देखती थी, फुल फोकस कर देती थी, इतना फोकस कि जैसे इसको देख रही है, और धीरे धीरे ये मुड़ जाता था चम्मच, जैसे यूरी गैलर। उसके भी पहले एक स्त्री थी कि जो कोई भी चीज को ऐसा देखते रहती थी, ऐसी देखती रहती थी कि वो उसको मोड़ देती थी, परंतु जब जब ये कार्य करती थी उसका वजन देखते थे तो 500 आधा किलो कम हो गया, उसका वजन आधा किलो कम। ये क्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा उसको लगती थी, सारी मन की शक्ति एकाग्र कर देती थी, और आंखों से दृष्टि देती थी। वहां दृष्टि का कॉन्सेप्ट नहीं है विदेश में, परंतु ऊर्जा आंखों से बहती है। इसके लिए भक्ति मार्ग में तीन प्रकार की दीक्षा है, नयन दीक्षा, स्पर्श दीक्षा और मंत्र दीक्षा। गुरु शिष्य को अपनी सारी शक्तियां कैसे दे देता है? दृष्टि से। नयन दीक्षा,
या तो स्पर्श कर हाथ लगा दिया और सारी ऊर्जा चली गई, या तो मंत्र से। तीन माध्यम है दीक्षा के। तो ये जो आंखें हैं, क्या देख रही है, क्या सुन रही है, आंखों से कौन सा भोजन अंदर जा रहा है, आंखें कितनी पवित्र बनी है। यदि टीवी खोलकर बैठे और उसमें हजारों चीजें चल रही है, वो सब जा रहा है, कहां जा रहा है और कैसे जा रहा है हमें पता नहीं चल रहा है, पर कहीं ना कहीं अवचेतन मन में जाके बैठ जाता है और वो निकलेगा स्वप्न में, और वो निकलेगा किसी एक अज्ञात क्षण में और गिरा देगा। क्योंकि संसार में वर्तमान समय जो भी फिल्में, जो भी सीरियल, जो भी एडवर्टाइजमेंट, जो भी मनोरंजन के साधन हैं, उन सब में कुछ ऐसे वाक्य बीच बीच में होते हैं, ऐसे डायलॉग जो कि तीर की तरह अंदर चले जाते हैं और इसमें विकारों की बदबू होती है और वो बैठ जाते हैं अंदर। इसलिए आंखें क्या देख रही है, उसमें दृढ़ संकल्प का बटन लगा देना है कि उसे केवल ईश्वरीय चीजें देखने को। तो घर में सारे ऐसे चित्र लगा दो कि जिसमें श्रेष्ठ संकल्प उठे वो देखते ही, और वो सारी चीजें संसार की, महात्मा बुद्ध के जितने वो सारे भिक्षु थे उनमें एक नियम था डाउनकास्ट आइज, बहुत सारे संप्रदायों में है पर उनमें विशेष था कि जब रास्ते पर चलो तो नासिकाग्र दृष्टि हो, केवल नीचे देख के चलो। क्यों ये नियम बनाए? क्योंकि उनको पता था जो कुछ दिखाई देता है वो खींचता है दृष्टि को। इसके लिए यहां देखने जैसा कुछ है नहीं संसार में। एक भाई मम्मा के साथ कहीं गया था और बहुत रमणीक दृश्य था, बहुत सुंदर। तो उस भाई ने अचानक बोल दिया, आहा मम्मा कितना अच्छा दृश्य है। मम्मा ने देखा और कहा, यह सब नष्ट हो जाएगा। उस समय भी आंतरिक वैराग्य की स्थिति। तो आंखें, चौथा हाथ, इन हाथों पर क्या करो, दृढ़ संकल्प का बटन। और आंखों के दो काम है, लिखना और स्पर्श। और लिखना सबसे बड़ी माया है वर्तमान, मैसेजेस, टेक्स्ट, सारे संबंधों में जो झगड़े हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, किस वजह से, मैसेजेस। दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बात नहीं करना चाहते, बैठकर मैसेजेस के द्वारा बात करते हैं और उससे और ही झगड़े, और ही मिसअंडरस्टैंडिंग, और ही कंफ्यूजन। और हाथ क्या लिख रहा है? हमारे मैसेजेस के द्वारा कोई डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा है टच। आज सुबह ओपीडी में दो साध्वी देलवाड़ा मंदिर की आई थी हमारे पास, एकदम यंग। तो वो, उसको तकलीफ थी एक बहन को, और दूसरी बहन साथ में आई थी। तो उसका सब दवाई वगैरह लिखा, जांच वगैरह दी, और फिर पेपर हमने उसके हाथ में दिया। उसने कहा, नीचे रख दो। उसकी उम्र 20 वर्ष होगी। उसने कहा, यहां रख दीजिए। हमने नीचे रखा, फिर उसने उठाया। अपनी धारणाओं में इतनी मजबूत है। बहुत पक्की। और ये जो छोटी छोटी धारणाएं जब इस लेवल पर हो तो ही फिर बड़ी भूल नहीं होगी। यहां छोटी छोटी धारणाएं टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, टूटती जाएगी। सुविधाजनक श्रीमत को बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। फिर सब कुछ स्वीकार्य है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर घूमना भी ठीक है, फिर ये भी ठीक है, फिर बात करना भी ठीक है, फिर कॉल करना भी ठीक है, फिर वीडियो कॉल भी ठीक है, फिर सब कुछ ठीक है, फिर मिलना भी ठीक है, फिर घूमना भी ठीक है, और ऊपर से सेवा,
ऊपर से क्या सेवा, लास्ट संडे की मुरली, हद की कामनाएं, अंदर से हद की कामनाएं और बाहर से क्या कहते हैं, बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुर बनते हैं, कहते हैं कि ये हमारा सेवा है, क्योंकि धारणाएं वहीं उस सूक्ष्म तल पर टूटी और यहां बड़े तल पर बड़ी दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट, कोई भी दुर्घटना अचानक नहीं होती है, बहुत सारी तैयारियां चालू है, सूक्ष्म हदों की, मन की, वासनाओं की, और यहां एक्सीडेंट हो गया, इसलिए सूक्ष्म तैयारी, सूक्ष्म मर्यादाओं को समझना है। तो हाथ, तो हाथों के दो काम बताए, एक तो लिखना और दूसरा है टच, जो जो सुख टच से उत्पन्न होता है वो सभी अंततः दुख बनता है, वो सारे सुख जो स्पर्श से उत्पन्न होंगे अंततः क्या होंगे, दुख बन जाएंगे। इसके लिए हमारे जो सुख है वो इंद्रियों के सुख नहीं है, अति इंद्रिय सुख है, सुपर सेंशियस, इंद्रियों से उठकर जो सुख है वही वास्तविक सुख है, बाकी सारे सुख नीचे गिराने वाले, परंतु शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मीठे लगते हैं, अमृत जैसे लगते हैं। किसी को परहेज करने बोलो तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, जब तक बीमारी ना आ जाए, आईसीयू में एडमिट ना हो जाए, उसके बाद फिर परहेज चालू होता है, सब तरफ से धक्के खाने के बाद, वो भी बड़े दुखी मन से। हमने ऐसे इतने सारे पेशेंट्स देखे हैं जो बहुत स्मोकर थे, उनको रोज कितनी बार कितने साल कहा होगा स्मोकिंग के बारे में, पर नहीं, पर एक दिन जब एडमिट हुए मेजर हार्ट अटैक के साथ आईसीयू में, और फिर वेंटिलेटर पे गए, और फिर वहां से निकले, फिर अहमदाबाद गए, और फिर वहां पे एंजियोग्राफी हुई, फिर वो सारा धक्के खाए, उसके बाद में कहीं संकल्प आया कि इसको छोड़ना चाहिए, तब छूटा, इतना सारा, तो शिक्षक कौन हुआ, समय, इतना बड़ा धक्का मिलना, तो हम अपने आप को देखना है। तो ये हाथ, दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो, और हाथ में नहीं लगेगा वो मन में ही लगेगा, हाथ तो साधन मात्र है, हाथ को भी चलाने वाला हाथ आत्मा है। फिर है पैर, पैरों को भी क्या करो, दृढ़ संकल्प का बटन लगाओ, कहां जा रहे हैं, ऐसे ग्रुप्स के साथ मिल रहे हैं जहां व्यर्थ की चर्चा हो रही है, ऐसे स्थानों पर जा रहे हैं, ऐसी वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं, वो भी एक साइट ही है, वेबसाइट, SIT, साइट अर्थात जगह, वो भी जगह ही है। उस दिन भी बताया था, द्वापर युग के किसी मछली को मनुष्य ने जाल में फांस लिया, तो उस मछली ने शाप दिया, एक दिन आएगा मैं भी तुमको फांसूंगी, नेट, नेट इंटरनेट, हमने उसमें जाल डाला था और उस मछली को पकड़ा था, तो उसने शाप दिया था द्वापर में, जो कि अब कलयुग के अंत में हर एक व्यक्ति फंसा है, किसमें, अंतरजाल इंटरनेट में। तो पैर कहां जा रहे, इच्छा भी हुई ऐसी जगह जाने की, उसको रोक देना, मन के पैर, केवल स्थूल पैर नहीं, मन के भी पैर है, मन कहां जाना चाहता है, उसे उस उन्हीं स्थानों पर ले जाओ जहां ज्ञान की चर्चा हो रही है, जहां योग हो रहा है, जहां तपस्या हो रही है, जहां सेवाएं हो रही है, वो सारे स्थान जहां पर व्यर्थ हो रहा है, परचिंतन हो रहा है, परदर्शन हो रहा है, व्यर्थ की बातें चल रही है, वो सब स्थान हमारे स्थान नहीं है, स्टॉप। तो पैर, उसके बाद में छठवा टंग, जबान, टेस्ट, चार नियम है भोजन के, जो कि चार चीजें जो करनी नहीं है। सबसे पहला है हंगरलेस ईटिंग, हंगरलेस ईटिंग अर्थात भूख नहीं है पर फिर भी भोजन करते जा रहे हैं, पेट भरा हुआ है फिर भी भोजन कर रहे हैं, हंगरलेस ईटिंग जिसको कहते हैं।
में हम जब भोजन कह रहे हैं, भोजन अर्थात फुल थाली, वो वाला भोजन, भूख नहीं है तो कुछ और ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं सेवन कोर्स मील, सेवन कोर्स मील, पता है? सेवन कोर्स मील में सबसे पहले तो वो सूप आता है, फिर कुछ और आता है, फिर थाली आती है, फिर वो जाने के बाद थाली पूरी पूरा करो, पूरी विधि है, एक 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 सेवन कोर्स, फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स, फोर्थ कोर्स, फिफ्थ कोर्स, सिक्स्थ कोर्स, सेवन्थ कोर्स, फुल। फिर कुछ मीठा आता है, फिर कुछ और आता है, जो शादियों में होता है ना संसार में, वो पूरा हंगरलेस ईटिंग। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है वो तब खाता है जब उसको भूख भी नहीं है, बस खा लिया, आदत है, जो मिला उड़ालते जाओ, और सारी बीमारियां इससे उत्पन्न होती है। दूसरा है ओवर ईटिंग, अधिक खाना, जितना आवश्यक है उससे अधिक। तीसरा है क्रोध में खाना, क्रोध, क्रोध में खाना। या फिर जल्दी जल्दी खाना, फटाफट 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 पूरा कर देना। भोजन तपस्या हो, भोजन एक तपस्या है। अगर ब्रह्मा भोजन का इतना महत्व है तो उसको खाना तपस्या से कम नहीं होना चाहिए, वो तब भोजन का समय भी तपस्या का समय हो जाए। जल्दी खाना, क्रोध में खाना, दुखी होकर उदास होकर खाना, क्योंकि जिस मन से खाएंगे वैसी ही अंदर क्रिएट होगा सब कुछ। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि एक व्यक्ति बहुत क्रोध में है, क्रोध में भोजन खा रहा है, तो वो भोजन नॉनवेज है, मांसाहार है, क्योंकि क्रोध के सारे कीटाणु उसमें जा रहे हैं। चौथा टाइप ऑफ फूड, रॉन्ग टाइप ऑफ फूड, जो भोजन खाया जा रहा है वही गलत है, उसका कॉम्बिनेशन ही गलत है। जैसे शादियों में होता है ना, क्या बनाते हैं, सब कुछ बना देते हैं, ऑल रॉन्ग कॉम्बिनेशंस। ये तो एक बहुत बड़ा विषय है, इसको यहीं छोड़ रहे। रॉन्ग टाइप ऑफ फूड, जिस कौन सा भोजन है, क्योंकि भोजन में भी तीन अगर प्रकार है, राजसिक, सात्विक और तामसिक। इन तीनों में से जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण आत्मा बना रहे वो सभी सात्विक ही है, उसमें भी राजसिक है, उसमें भी तामसिक है। बहुत इच्छा से बनाया जा रहा है कि लोग इसको पसंद करें और मेरा नाम हो जाए, और कोई पूछे किसने बनाया, वो राजसिक स्वभाव है वहां पर। उसमें बहुत तीखा है, और उसमें बहुत मीठा है, और बहुत नमकीन है, उसमें बहुत मसाले, गरिष्ठ है, ये सारा राजसिक में आएगा। और योगी अर्थात सात्विक, जहां कर्मेंद्रिय शिथिल हो जाए। तो दृढ़ संकल्प का बटन कहां लगाना है? जिह्वा। ऐसा कहा जाता है जिसने जिह्वा को जीता उसने बाकी सभी इंद्रियों को जीता। इसको जीतो तो 90% बाकी इंद्रियां अपने आप वश में आ जाएगी। तो ये छठवा। सातवां बटन लगाना है इच्छाओं पर। दृढ़ संकल्प का बटन कहां लगाना है? इच्छा है, सांसारिक इच्छा है, लौकिक इच्छा है, व्यर्थ की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, चाहिए की इच्छा। और जैसे जैसे हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, स्थूल इच्छाएं तो कम हो जाती है, पर सूक्ष्म इच्छाएं रहती है। और सर्वोत्तम सूक्ष्म इच्छा है प्रेम की इच्छा। कोई मुझे क्या करे? प्रेम करे, सम्मान दे, आदर करे, सत्कार करे, ये सबसे सूक्ष्मतम इच्छा है। केयर की, अटेंशन की, पालना की, उससे भी सूक्ष्म है मेरी कोई पालना करे। ये संकल्प नहीं है कि मुझे अब पालना करनी है, परंतु हमारी पालना हो, हमारी सूक्ष्म पालना करे, हमें पूछे, ये सारी सूक्ष्म इच्छा है। बाबा ने संडे में भी कहा था, लास्ट संडे की, यह हद की कामना है, जब तक स्वयं की पूर्ण नहीं होगी संसार की आत्माओं की कैसे पूर्ण करोगे।
और तुम कौन हो? तुम बड़े हो। तुम कौन हो? तुम बुझाए हो। तुम कौन हो? कामधेनु हो। तुम कौन हो? भंडार हो, चैतन्य भंडार। तुम कौन हो? तृप्त आत्माएं। तुम कौन हो? संपन्न आत्माएं हो। तुम कौन हो? विश्व उद्धारक हो। तुम कौन हो? विश्व रक्षक हो। तुम कौन हो? जहान के नूर हो। तुम कौन हो? जहान के कुल दीपक हो। इतने सारे समान थे पूरी मुरली में, अर्थात जिनकी अपनी हदों की काम, अपनी हदें हैं अंदर कामनाएं, वो संसार की कामना पूरी नहीं कर सकते। संसार की कामना है सुख और शांति की, मुक्ति और जीवन मुक्ति की, और जब तक ये हद की कामना है कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने कहा था तीन, एक तो मन मना भाव से, एक तो वानप्रस्थ अवस्था से, और इच्छा मात्र अविद्या से। इन कामनाओं से मुक्त हो जाओ हदों की। तो जहां अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सी इच्छाएं, ये भी करूं, वो भी करूं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, एक दूसरा इसमें एक सूक्ष्म है सेवाओं की इच्छा। सेवाओं की इच्छा सबसे श्रेष्ठतम इच्छा है, परंतु उसमें एक बात यह भी है कि क्या यहां निमित्त भाव रह रहा है? फिर व्यक्ति केवल सेवाओं के ही प्लानिंग कर रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, शायद निमित्त भाव वहां खो रहा है। हम हमेशा उदाहरण देते हैं एक सेंटर का जहां हम गए थे बहुत पहले, जहां पर केवल दो ही विद्यार्थी थे उस सेंटर पर। हमने उस बहन से पूछा कि यहां दो ही विद्यार्थी? उसने कहा बस हम कोर्स तो बहुत कराते हैं, ज्ञान बहुत सुनाते हैं, सेवाएं भी सब करते हैं, पर विद्यार्थी दो ही है, क्योंकि वो जो एरिया है वहां पे लोग सब मछली खाते हैं, फिश, और वो कहती है कि उनको पता है कि ये सेंटर पर आना, ब्रह्मा कुमारीज में आना मतलब ये छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं आते, कोर्स करके चले जाते फिर नहीं आते। तो उस बहन ने कहा था कि यहां सेवाएं इतनी नहीं है, और इसके पहले मैं एक ऐसे सेंटर पर थी जहां पर बहुत सेवाएं थी, जो रिट्रीट सेंटर था, दिन रात भाग दौड़ 10 साल पहले, पर पिछले 10 साल से मैं यहां हूं। और उसने कहा कि मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है। तब बाबा ने वो सेवा कराई, अब शायद बाबा ये सेवा कराना चाहता है। मैं अपना सारा समय, और हमने देखा था वहां पर कैसे 2 बजे से उठकर वो बहन योग, दोपहर का सोने का समय है योग में बैठी है, शाम का समय है तब भी योग में बैठी है। उसने कहा कि मैं अपना सारा समय अव्यक्त वाणियों के अध्ययन में लगाती हूं, वहां ना टीवी है ना मोबाइल है ना कुछ, कुछ भी नहीं, हलचल ही नहीं है। हम वो जो एरिया था वहां मनुष्यों की भी आवाज नहीं। वो कहते हैं यहां पहले से इतनी शांति है, तो वो कहते ब्रह्मा कुमारियों की शांति हमको चाहिए भी नहीं। क्राइम कुछ नहीं है वहां पर, छोटा सा एरिया था, सड़कों पर कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता है, एकदम शांत। तो परंतु समय को वो बहन सफल कर रही थी। तो सेवाओं का विस्तार बहुत अच्छा है, पर एक समय ऐसा आ जाएगा कि सेवा स्टॉप, भगवान ही कह देगा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सब हो गया जो करना था, तब क्या करेंगे फिर? और जो सेवाओं के बिना नहीं रह सकते उनको बेचैनी हो जाएगी, फिर हलचल हो जाएगी बहुत, क्योंकि वो भी एक एडिक्शन की तरह है, नहीं करो तो बेचैनी होती है। पर इसका भी तो अभ्यास चाहिए न करने का, इसको उल्टा नहीं लेना है, पर नहीं तो अकर्मण्य बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये हम उन आत्माओं की बात कर रहे हैं जो बहुत विस्तार में खो गए। यहां पर रुकना है कि कुछ समय तो ऐसा भी चाहिए कि जहां हम कुछ भी नहीं कर रहे, केवल आत्मिक स्वरूप में स्थित है बस। ये भी एक टेम्पटेशन है, बाहर जाऊं, बाहर जाऊं, बाहर कुछ करूं, क्यों करूं? शांति से बैठ नहीं सकते? ये भी तो तपस्या है, न करना भी तो तपस्या है। एक गुरुजी थे जो सुबह एक बार प्रवचन करते थे, शाम को प्रवचन करते थे, दिन भर में बैठे थे। उनके लोग पूछते थे आपके गुरु करते क्या है दिन भर? वो जो अंतरंग शिष्य थे वो कहते थे वो खाली बैठते हैं बस। वो कहते ये संभव कैसे है?
वो कहते बस चेयर पर बैठे रहते ऐसे और कुछ नहीं करते, सोते हैं नहीं, सोते नहीं है, केवल चेयर पर बैठे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो कुछ पढ़ते हैं, पढ़ते भी नहीं है, केवल बैठे रहते हैं। कैसी साधना है ये भी। पर जो बोलते हैं शाम को और सुबह, उसमें आग होती है, जीवन परिवर्तन कर दे ऐसी। क्योंकि जो बोल निकल रहे हैं वो दिन भर के मौन से निकल रहे हैं। किसी से बात करते हैं, बात भी नहीं करते, केवल बैठते हैं। और पढ़ाई उन्होंने बहुत कर रखी है पहले की, अब तक बहुत पढ़ते थे, शायद ही कोई किताब होगी जो नहीं पढ़ी हो, सब कुछ। पर अब केवल चुपचाप आत्मिक स्थिति में बिना कुछ सेवा किए कितना समय रहा जा सकता है, ये भी एक साधना है। कोई कहे अभी कल दिन भर कुछ भी नहीं करना है, 9 बजे से 5 बजे तक बस बाबा के कमरे में और भोजन सब कुछ दिया जाएगा, नो सेवा, एकदम बेचैनी हो जाएगी, सेवा सेवा सेवा, तो ये 7 दृढ़ संकल्प के बटन। सबसे पहला बताया जो बाबा ने कहा, मुख अर्थात बोलना, दूसरा कान, तीसरा आंख, चौथा हाथ पैर जबान और इच्छाएं। इन सभी से व्यर्थ जन्म ले सकता है, इसलिए अंकुश लगाना है दृढ़ संकल्प से और दृढ़ता से। और एक दूसरी चर्चा इसमें एक जुड़ी हुई है, दृढ़ता को कैसे लाए। संकल्प तो सभी करते हैं परंतु दृढ़ कैसे हो जाए। कल की जो अव्यक्त वाणी है संडे की, इसी पर है कि संकल्प तो सभी करते हैं पर वो दृढ़ कैसे बने। संकल्प वो बीज है, पानी कौन सा डाले, धूप कौन सी चाहिए, कौन सी वो विधि है, वो कल आप पढ़ना, अभी नहीं बताएंगे। क्या करें कि संकल्प इतने बड़े बड़े करते हैं परंतु हो कुछ नहीं रहा है, साकार में क्यों नहीं आ रहा है, गैप क्यों है ये संकल्प और कर्म में, कुछ तो करना पड़ेगा बीच में। ये तो बीज है, पानी कुछ डालना पड़ेगा, धूप चाहिए पानी चाहिए, कौन सी धूप और कौन सी पानी, कौन सा पानी, वो कल ढूंढना। तो दृढ़ता लानी है और दृढ़ता के लिए विजन क्रिएट करना, उसके बारे में सोचना, उसका चिंतन करना, हार नहीं मानना, बहुत सारी चीजें जरूरी है। संसार में जितने महान कार्य हुए हैं उन सभी लोगों को रोगों ने रोका शुरुआत में। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, जब भी कोई नया कार्य चालू होगा, जब भी कोई नई संस्था खुलेगी, जब भी कोई नया संकल्प, नया अभ्यास, जब भी कुछ भी नया करोगे जो कि सब लोग नहीं करते, 3 चीजें होगी। सबसे पहले हंसी उड़ाई जाएगी, रेडिक्यूल, लोग हंसेंगे, अरे तुम ये क्या कर रहे हो। दूसरा अपोजिशन, विरोध होगा भयंकर। और तीसरा एक्सेप्टेंस, फिर सब लोग स्वीकार कर लेंगे। इस संस्था के साथ भी यही हुआ है, सबके साथ ये हुआ है, सब धर्मों के साथ ये हुआ है। तो ऐसे ये 7 बटन, दृढ़ संकल्प के बटन लगाने हैं तो हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।